Very good morning, my dear students. So, as we have already completed our first chapter of class 6, that is food, where does it come from? Okay, and today we are going to start second chapter of class 6, that is component of food. And before starting this chapter, please take out your science workbook, okay, and page number 23. Okay, students. Today we are going to see the introduction of this chapter. Okay, let's start. In the previous class, we have learned that we eat many kind of foods like biryani, pulao, idli, chapati, dal, etc. Okay, students. So, in previous classes, like when you are in fifth standard, we have discussed about like we eat many kind of different food items like. We eat rice made foods like chapati, we eat rice, we eat idli, we eat biryani, pulao, and chapati, rice, dal, etc. Okay, and today you have also learned to cook some kind of food, making them tasty and palatable. Okay, और हमने ये भी चीज़ समझी थी कि उसे किस तरीके से हम टेस्टी और पैटेलेबल बना सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलेटेबल? पैलेटेबल मीन्स दैट इज स्वादिष्ट. ओके, स्वादिष्ट यानी हम जब उसमें कुछ ऑयल एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, दैट इज पैलेटेबल. उस फूड को या डिश को हम उसे टेस्टी बनाने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स, कुछ एडिशनल चीज़ें डालते हैं जिसे हम पैलेटेबल कहते हैं, स्वाद के लिए. ओके, एंड इन दिस चैप्टर सी हियर पेज नंबर 23, यू विल लर्न अबाउट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस. एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स एंड वी गेट फ्रॉम दैट फूड. ओके, और हम कौन से न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझेंगे जो हमें फूड से मिलते हैं. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. दीज आर सम न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स. ओके, नंबर वन इज कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट प्रोटीन. थर्ड इज फैट. फोर्थ विटामिन्स एंड मिनरल्स. Next is water, roughage or fiber. Okay, so these are some nutrients which we are going to discuss in this chapter. Now see what is the mean by a balanced diet. What is balanced diet? ठीक है, जो हम खाना डेली रेगुलर खाते हैं वो किस तरह होना चाहिए? हमारा बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, ना ही वो अंडर डाइट होना चाहिए, ना ही वो ओवर डाइट. यानी हमें बिल्कुल लेवल का खाना चाहिए. इट शुड बी बैलेंस्ड. एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट. और हम इसे समझेंगे कि हमें बैलेंस्ड डाइट हमारे लाइफ में, हमारे जो फूड होता है, हम जो ऑब्टेन करते हैं, वो क्यों प्रॉपर होना चाहिए, इसे भी हम समझेंगे. एंड इट एंड्स विद अ डिस्कशन ऑन डेफिशिएंसी. अगर हम खाना कम ऑब्टेन करते हैं, अगर हम अंडर डाइट ले रहे हैं, तो किस किस टाइप की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में हो सकती है, इसे भी हम इस चैप्टर में समझेंगे. ओके, सो टू रिकॉग्नाइज व्हाट वी आर ईटिंग, इट्स न्यूट्रिशियस और वी आर गोइंग टूवर्ड्स मैल न्यूट्रिशंस. यानी न्यूट्रिशंस मीन्स पौष्टिक. ओके, और वी आर गोइंग टूवर्ड्स मैल न्यूट्रिशियस.
Malnutrition means kuposhan. यानी जिन्हें प्रॉपरली खाना नहीं मिल पाता है तो उनके उन्हें क्या हो जाता है, वो कुपोषण यानी बिल्कुल अंडरवेट हो जाते हैं. नाउ सी पेज नंबर 24. व्हाट इज फूड. ओके, अ चाइल्ड मे वंडर वेदर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. ओके, तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी हर एक जीवित जीव को फूड की ज़रूरत होती है. द फैक्ट इज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट यानी छोटे से बड़े, मॉस्किटो टू वेल एंड टू एलिफेंट एंड ऑल्सो द प्लांट्स नीड फूड यानी छोटे से बड़े जीवों, एक मच्छर से लेकर वेल फिश तक, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, सभी को फूड की ज़रूरत होती है. Insect like butterflies and mosquito take food. Do the microorganisms, bacteria and termite also need food? Yes. Even the microscopic amoeba needs food as do the whale. एक छोटा सा microscopic कीड़ ना, जिस तरह हम microscopes में देखते हैं छोटे छोटे जो fungus कीड़े होते हैं amoeba, उन्हें भी food की ज़रूरत होती है like a whale. जिस तरह हम normal जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें फूड की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरीके से एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमीबा, उसे भी ज़रूरत होती है फूड की. एलिफेंट्स, ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, फूड इज कंपोज ऑफ मेनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस. ओके, फूड किससे कंपोज किया गया है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस से, जिसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी जिसमें बहुत ज़्यादा वी कैन से लाइक एनर्जी गिविंग्स होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा रिच इन प्रोटीन्स विटामिन्स. ओके, सो दीज आर सम मेन न्यूट्रिएंट्स दैट मेक अप द फूड वी ईट एंड आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट. यानी कौन से वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हमारा हमारी बॉडी रिक्वायर करती है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स आर लाइक प्रोटीन. ओके, सबसे पहले जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग होते हैं. दे आर हाईली रिच फूड हम जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है लाइक वीट पल्सेस, वीट सीरियल्स, सम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दे आर हाईली रिच इन प्रोटीन्स. नेक्स्ट दे आर ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी. कुछ ऐसे होते हैं न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट बहुत बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. लाइक मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. ओके, इवन प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग. तो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. फैट इट शुड बी लाइक एन बैलेंस. ठीक है, फैट कभी भी हम फैट वाली चीज़ें हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए उसके लिए. अगर हम इसे ज़्यादा ऑब्टेन करेंगे तो क्या होगा, वी कैन बी ओबेस. ओके, नेक्स्ट विटामिन और मिनरल्स. विटामिन और मिनरल्स की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट बहुत ही लेस अमाउंट होती है, लाइक अबाउट ओनली 4%. ओके, सो विटामिन एंड रफेज डाइट्री फाइबर्स. नाउ व्हाट इज रफेज. रफेज क्या होता है, रफेज क्या हेल्प करता है हमारे बॉडी में, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है रफेज हेल्प करता है, वो एक फाइबर होता है और वो हेल्प करता है हमारे उस अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में. ओके, सो दीज आर सम न्यूट्रिएंट्स विच वी गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. हम वन बाय वन इसके बारे में प्रॉपरली डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना ही. इट जस्ट अ ब्रीफ ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, विल कंटिन्यू इन दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डू द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.